Okay, so hello everyone, welcome back to another reaction video, guys. लेके आए रिएक्शन ऑन सॉविक डी आफ्टर सो लॉन्ग यार. एक्चुअली सो लॉन्ग हो जाते हैं बिकॉज देखो अगर हम 7-8 दिन बाद भी करेंगे तो ऐसा लगेगा 2 हफ्ते बाद बिकॉज अपनी रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये अभी रेगुलर आनी शुरू हो गई है. इट्स 3rd day के मैं रेगुलर डाल रहा हूँ वीडियो. आप दुआ करो कि रेगुलर ही आए, डेली ही आए वीडियोस बिकॉज नया कंटेंट. अपना शॉर्ट्स का चैनल भी आ चुका है जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो गाइस यार. एंड बहुत कुछ नया नया लेके आने वाले, मतलब ट्राई कर रहे हैं, फुल टू जोर लगा रहे हैं कि बहुत कुछ नया लेके आए. फटाफट से पहले ये वीडियो पे रिएक्ट करते, ज्यादा वेस्ट नहीं करता. सॉविक डी भाई के फैन थोड़े अग्रेसिव हैं. ओके आपने कहा फेस कैम शेव करवा ली, बस टाइमिंग थोड़ा सा गलत था. सही बताओ तो आपने नीचे हुए पड़े सॉविक भाई, यहाँ पे मेरे को धोखा दिया. मेरे पास जब बियर्ड था तब आपने कभी भी नहीं बोला कि फेस कैम करने के लिए. इंस्टाग्राम फोटो के बाद आपने फेस कैम का बोल दिया. ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं. बात करते हैं आज के गेम प्ले के बारे में. नहीं तो भैया चिकन डिनर हाथ से जाने ही वाला था. जो भी हो गया ये सब तो आगे आपको पता चलेगा. फिलहाल इसके साथ एंट्री होता है पोचिंग की. आस पास ढेर सारे बंदे. भाई सॉविक भाई गुस्सा मत करियो ना, सॉविक भाई के फैंस गुस्सा करना यार. सॉरी भाई को दाढ़ी आने देते हैं यार, इसलिए फेस कैम बोलना था. फिर मतलब फेस कैम बोलना था. अजीब सा फीलिंग आ रहा है, अजीब ही लग रहा है. आ ये भाई गेम प्ले पे कॉन्सेंट्रेट करो भाई, मजेदार. जो भी कहो सॉरी भाई है सुपर. देखा जाए तो यहाँ पे पोचिंग की में बहुत सारे बंदे आ चुके थे. ये सरप्राइज था भाई. जब मैं सामने के बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं खत्म हो जाता हूँ. रिकॉल था, रिकॉल हो गया, सीधे वही बंदे के पास आता हूँ. हाँ ये तो अच्छा हुआ, जैसे जैसे करके ये स्कोर को यहाँ पे खत्म कर दे. तो पर जब मैं रोड क्रॉस करके आगे की तरफ जाता हूँ, अभी देखो एक मिनट भाई साहब कैसे पता. जस्ट यहाँ पे आखिरी बंदा ऊपर की तरफ था, उस आज तक अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश करेगा. उससे पहले जल्दी से यहाँ पे मैं ड्रिंक बार के हील करने की कोशिश किया. अभी देखो फ्री फायर किया, बंदा कंफ्यूज. ये कुछ सोचता समझता, ऑलरेडी डैमेज था बंदा, इसीलिए आप फिनिश कर देता हूँ ये वाले स्कोर. M4 की नीट आई थी सामने से यार, सामने थी ना उस साइड, वो रहा सामने बंदा. ओके इधर भी है. वो AKM 3X भाई सेक्सी.
एक बंदे को नॉक और एक बंदे को फिनिश कर चुका था, बस इसका जो आखिरी वाला बंदा था सामने से वेट किया था कब मैं ओपन में आऊं और वो मेरे को फिनिश कर दे। ये मौका उसको देता नहीं हूं, जस्ट यहां पे होल्ड किया, उसको लगता है मैं खिड़की पे आऊंगा, डोर खोल के सीधे बाहर जाता हूं। यहाँ तक सारा सिचुएशन सही था, जैसे तैसे करके ऑलमोस्ट हमें लगता भी है कि पोचिंग की यहाँ पे खाली होने वाला है। जब हम पोचिंग के से निकल के आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लगता है गेम खत्म। यही है ना वहाँ पे जो इंट्रो वाला सीन? हाँ वही 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 वही। चल भाई निकल सामने से। वो बच गया भाई, स्ट्रगल तो गई। नेट कर रहे हैं, दो बंदे हैं। ओ भाई गलत सीन है, अकेला फंस गया वही बंदा। सौविक भाई आई एम विद यू बट सिचुएशन इज नॉट। एक बंदे को नॉक करके जब मैं आगे की तरफ जाता हूं, इसका टीममेट आज तक यहां पे रिवाइव देने के लिए आ रहा था। पर अनफॉर्चुनेटली यहां पे बग्गी फूटता है और इसी के साथ ये स्कोर भी खत्म हो जाता है। और जो भी बोलो, थोड़ी देर पहले यहां पे लग तो रहा था गेम प्ले खत्म हो। एग्जैक्टली भाई, जस्ट मैं आगे जाने की तैयारी करता हूँ, पीछे से गंदे तरीके से पड़ता है। पीछे से पड़ रही है भाई, शिट खत्म 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 पूरा सामने। वो ये बंदों को खत्म करेगा। जब हम पोचिंग में कमबैक करते हैं, यहाँ पे भैया पहले से ही बंदे अवेलेबल थे। जब सामने की तरफ मोली दिखते ही आगे की तरफ जाता हूँ, अभी देखो बोलते भाई। ये बंदो तो खैर यहाँ से निकल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे जोन पे जाने का तैयारी मैं करता हूँ। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि सामने के तरफ जोन बन सकता है। इसी चलते मैं ये वाले टावर पे आ जाता हूँ और सोचता हूँ ये सेंटर में भी है और आगे जोन यहाँ पे बन जाता है तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट होगा। और जब मैं यहाँ पे आके होल्ड करता हूँ, सामने गंदे तरीके से फाइट चलने लगता है और राइट पे भी एक बंदा रहता है। अब M4 6X निकलनी चाहिए भाई फुल स्पीड से, वो भी लेजर स्प्रे के साथ। ओ राइट साइड, कहीं हम बीच में फ्राई ना हो जाए, दैट्स व्हाई मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ। और साथ ही साथ हम यहाँ से निकल के फिर से हम पोचिंग में कमबैक करने की कोशिश करते हैं। आ ये ना, पहले ये बंदे को खत्म कर दो। और राइट में भी पहले से ही बंदे थे शायद तक टनल के अंदर, दैट्स व्हाई मैं ये वाले घर पे आता हूँ। तकरीबन लग रहा था पीछे की तरफ और बंदे नहीं है, दैट्स व्हाई मैं छत के ऊपर आ जाता हूँ और नोटिस करता हूँ थोड़ी देर पहले जो सामने की तरफ बंदा था वो शायद तक जोन में आने की डेफिनेटली कोशिश कर सकता है। हाँ जी मैं यहाँ पे सही था, सामने बंदा दिखता है।
स्प्रे को कंटिन्यू रखता हूँ और पेड़ के पीछे यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। पर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता। जब मैं ये वाले लोकेशन पे आता हूँ, थोड़ी देर पहले जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, सामने से ही शॉट आया था, आगे की तरफ बंदे नहीं दिख रहे थे। मेरे को ऐसा लगा कि ये जो बंदे हैं सारे के सारे टनल के अंदर ही बैठे हैं। और यहाँ पे देखो, लेफ्ट से लेके राइट तक मैं चारों तरफ नेट कर दूं। ओ, लेकिन मरेंगे नहीं शायद। तीन बंदे, दो बंदे भाई, वो टनल के अंदर बैठा होगा नीचे राइट साइड। यहाँ पे धीरे धीरे सिचुएशन क्रिटिकल हुए जा रहा। आगे दो बंदे थे और यहाँ पे कुछ भी करके हम सामने की तरफ जाते। ओ भाई, जोन कितना छोटा हो गया भाई। यही है कहीं पे, यहीं पे एक ओ भाई बस ये साहब, भाई उनके पास कितना तगड़ा रिच था भाई, सामने से रश किया सौवी भाई ने करके ये बंदे को खत्म कर दे। फाइनली हक के साथ बोलेगा, फाइनली हमने पूरे अरंगल के ऊपर झंडा काट दिया। ओके सो गाइस, यार आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक का बटन जरूर दबा दो। सॉविक डी आर्मी इन द चैट, भरो आज ही फुल स्पीड से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।